डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं, 12th फिजिक्स में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे क्रांति कोण और अपवर्तन के बीच में संबंध, ठीक है। और उस संबंध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो कल हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त भी पढ़े थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें कौन कौन सी है, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1μ2 इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC, जहाँ पे 1μ2 क्या है, तो 1μ2 का मतलब होता है माध्यम एक के अपेक्षा माध्यम टू का अपवर्तनांक। इसी को हम लोग μ2 बाई μ1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC, क्लियर। जहाँ पे IC क्या है, क्रांतिक कोण, μ2 μ1 क्या है, तो ये है अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। लिखा जाए माध्यम वन के अपेक्षा माध्यम टू का अपवर्तनांक टू बाई रूट थ्री हो तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोगों को क्रांतिक कोण का मान पूछ रहे ना। सवाल में हम लोगों को गिवन है, दिया है सवाल में कि माध्यम एक के अपेक्षा माध्यम टू का अपवर्तनांक, इसी को बोलते हैं हम लोग 1μ2। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 2 बाई रूट 3। और IC, क्रांतिक कोण को IC से सूचित करते हैं, ये हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों को अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है कि 1μ2 इज इक्वल टू μ2 बटा μ1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन IC, यही ना तीनों में रिलेशन है। तो हम लोगों को 1μ2 का वैल्यू दिया है 2 बाई रूट 3, बराबर 1 बटा साइन IC। इसको भी पलटेंगे तो इसको पलट कर क्या होगा, तो साइन IC ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। तो इस क्रांतिक कोण के जगह पे कितना मान रखा जाएगा कि √3/2 हो जाएगा, तो 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। इसलिए IC का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलें तो π/3, ठीक है। तो IC का एंगल हम लोगों को 60 डिग्री हो जाएगा या फिर π/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, यदि यदि क्रांतिक कोण का मान यदि क्रांतिक कोण का मान
तीस डिग्री हो तो प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक, अलग अलग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है ना, इसमें दिया है, क्या क्या दिया है भाई देख लेते हैं। सवाल बोला कि क्रांतिक कोण का मान हम लोगों को 30 डिग्री है, ठीक है। क्रांतिक कोण का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो क्रांतिक कोण का वैल्यू अगर 30 डिग्री दिया है तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि IC का वैल्यू हम लोगों को 30 डिग्री है। और दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग ज्ञात करना है, मतलब μ1 भी अलग ज्ञात करना है, μ2 भी अलग ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला सूत्र पढ़े हैं ना, सूत्र से 1μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू sin IC, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ μ2 बाई μ1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू sin IC क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू μ2 बटा μ1। इसलिए यहाँ आपको दिख रहा है कि μ2 के जगह पे कितना है, 1, और μ1 के जगह पे कितना है, 2। तो यहाँ हम लोग μ1 का अपवर्तनांक बराबर 2 आंसर हो गया, और μ2 ऊपर है ना, तो ऊपर कितना है, 1/2, तो 1, क्योंकि μ2 का वैल्यू 1, क्योंकि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो μ1 का वैल्यू हो जाएगा 2, और ऊपर μ2 है तो μ2 का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच जो संबंध निकाले थे, उस संबंध से हम लोग फार्मूला इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, सॉरी उसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से और दो चार क्वेश्चन लिखा जाए जो आपको खुद से सॉल्व करना है। लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री हो तो दूसरे माध्यम का 45 डिग्री हो तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक, √2 हो, पहले माध्यम का अपवर्तनांक √2 हो। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा आप कि हम लोगों को सवाल क्या बोल रहे हैं कि पहले माध्यम, तो पहले माध्यम को हम लोग μ1 से सूचित करते हैं, दूसरे माध्यम को μ2 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि μ1 का मतलब हुआ पहला माध्यम, और μ2 का मतलब होता है दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या क्या निकालना है, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण का मान क्या होगा यदि यदि माध्यम एक के अपेक्षा यदि माध्यम एक के अपेक्षा माध्यम टू का अपवर्तनांक माध्यम टू का अपवर्तनांक 0.5 है, 0.5 नहीं, क्या लिखें, माध्यम एक के अपेक्षा माध्यम टू का अपवर्तनांक 0.5 है, सही है, क्वेश्चन डन। चलिए फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखा जाए। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसमें क्रांतिक कोण 90 डिग्री हो और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3.75 हो, 3.75 हो। इसमें देखिए बोल रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण तो ठीक है दिया हुआ है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो दूसरा माध्यम भी दिया हुआ है, कितना है वो 3.75, यानी कि म्यू टू का वैल्यू दिया हुआ है 3.75। तो म्यू टू का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि उस माध्यम का निकालना है, यानी कि म्यू वन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो दो तीन क्वेश्चंस दिए हैं अभी उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद ही हम लोग अगले टॉपिक्स में इन करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन कि वायुमंडल अपवर्तन। देखिए अपवर्तन तो हम लोग पढ़े लेकिन वायुमंडल अपवर्तन एक अलग है दोस्तों। अब हम लोग अगले दिन बहुत अच्छा टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि आप रात में जब अंधेरी रात में ऊपर अगर तारों को देखते हैं तो आपको तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, है ना। तो ये किसकी घटना है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, यानी कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण रहते हैं, प्रेशर अलग होता है तो इस सब का प्रभाव पड़ता है, तो इसके वजह से तारे एक्चुअली टिमटिमाते नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं लेकिन हम लोगों को दिखता है तारे टिमटिमाते जैसे। और वही नहीं, हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त होता है ना, उसमें भी टाइम का अंतर है। एक्चुअली सूर्योदय नहीं होता है फिर भी हम लोगों को पहले अनुभव होने लगता है, सूर्यास्त हम लोगों को दिखता है उसके बाद, दो अंतर पड़ जाता है टाइमिंग का। तो हम लोग वायुमंडल अपवर्तन के बारे में अगले दिन बहुत बढ़िया टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।